इस वर्ड के मतलब में कुछ छुपा हुआ है। जैसे कोई आप प्लास्टिक की चीज ले लीजिएगा या उसको दबाइए, फाइबर की चीज तो दब जाएगी, लेकिन अगर लोहे की चीज ले लीजिएगा तो उसको दबाइए तो नहीं दबेगी, तो आप कहेंगे ये बहुत रिजिड बॉडी है। और नाम से लग रहा है कि अगर किसी बॉडी में हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से उसके शेप, उसके साइज में कोई भी चेंज ना हो, उस बॉडी को हम क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी, इफ वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी एंड देर इज नो चेंज, एंड देर इज नो चेंज इन द शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, देर इज नो चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, देन द बॉडी इज सेट टू बी अ रिजिड बॉडी, देन द बॉडी इज सेट टू बी अ रिजिड बॉडी। Then the body is said to be a rigid body. समझ में आ गया? ठीक है, के बाद हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जहां पर हम बार बार बोलेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या हो? एक होता है, नाम से लग रहा, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर के एक सिस्टम बनता है। मान लिया हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल मतलब जैसे मेरी नाक है, कान है, आंख है, गला है, लिम्स जितने हैं सबको मिला के छोटे छोटे पार्टिकल्स मान ले और सबको मिला करके बना दी गई, उसको क्या कहते हैं? बॉडी। समझा नहीं बात नहीं? तो यानी कि अगर कोई भी बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई है तो उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन सिस्टम कैसा? अब हम इधर चलना शुरू किए, मेरी नाक यही रह गई, ऐसा थोड़ी चलेगा। जब वो बॉडी चलाई जाएगी तो हर एक पार्टिकल उसका उसे अटैच्ड होना चाहिए, और जैसे वो बॉडी मूव करे वो पार्टिकल भी वैसे ही मूव करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि यूं कह सकते हैं कि जिस जिस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, और बॉडी के चलने पर वो उसी पोजिशन पे हमेशा आगे चलते रहते हैं। तो लिखिएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। System of particles is a group of particles. Group of particles in which all the particles remains at a fixed distance. All the particles remain at the fixed distance. Whenever they move, they have the same velocity. देखो ध्यान से, जैसे मान लिया एक बार रिपीट करना सिस्टम ऑफ, पहले पूरी बात मतलब समझिएगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है बहुत सारे पार्टिकल जो अपनी पोजिशन पे फिक्स रहे, ठीक है, और जब वो मूव करें तो एक साथ मूव करें और एक वेलासिटी से मूव करें। यानी हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के जितने पार्टिकल्स हैं सब सेम पोजीशन पे फिक्स हैं और वो उसी वेलासिटी से चल रहे हैं। ठीक है, तो लिखिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इन विच ऑल द पार्टिकल्स रिमेन्स एट फिक्स्ड डिस्टेंस। ऑल द पार्टिकल्स रिमेन at fixed distance. ठीक है, पहली बात, whenever they move they have the same velocity। जैसे मान लिया ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, एक हमने रॉड ले लिया, एक पार्टिकल है, बहुत सारी पार्टिकल्स उसमें है, तो पहली बात हर एक पार्टिकल अपनी जगह फिक्स है, और जब ये वेलोसिटी चलेगा तो हर एक पार्टिकल वी वेलोसिटी चलेगा। या कोई बॉडी मान लिया इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट करती है, ये पार्टिकल है, सब फिक्स है, और जब सब चलेंगे तो उसी वेलोसिटी चलेगी, तो इसको हम कहेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा,
कितने प्रकार के मोशन होते हैं? मोशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ मोशन, लेकिन जिन मोशंस के बारे में बात करना है वही एक दो मोशंस के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन, नंबर वन ट्रांसलेशनल मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन में नंबर वन है ट्रांसलेशनल मोशन। नंबर वन है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो लिखिए इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोले या बॉडी बोले, बॉडी का मतलब पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्टिकल उसमें मिलकर के बॉडी बनती है। तो लिखिएगा इफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हेन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल मोशन। देन इट्स मोशन इज सेड टू बी ट्रांसलेशनल मोशन। और नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, नाम से लग रहा है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता है तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो लिखिएगा द मोशन ऑफ ए बॉडी, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल को बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखने पर लंबा चौड़ा होता, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज सेट टू बी रोटेशनल मोशन, इज सेट टू बी रोटेशनल मोशन if all the particles have same angular velocity, about a common axis। देखिए जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, और यहां पर आपने इस बॉडी को एक ड्रिल मशीन से छेद करके यहां फिक्स कर दिया और ये इसके चारों ओर रोटेट कर सकता है। तो एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, तो अगर ये बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चलेगी, ये पार्टिकल भी ओमेगा चलेगा, ये पार्टिकल भी ओमेगा चलेगा, ये पार्टिकल भी ओमेगा चलेगा, सबकी वेलोसिटी एंगुलर वाली सेम रहेगी। इस प्रकार के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब ये बता, बड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन, ट्रांसलेशनल मोशन हमने कहा कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में सीधे चलता है, तो ये बताओ ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन में डिफरेंस क्या है? एक वर्ड हमने दिया है लीनियर मोशन, जिसको कि हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और एक हमने अभी बताया ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लीनियर मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता था। यस 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 यस, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के या एक पार्टिकल छोटा सा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है तो लीनियर मोशन करता है, और जब एक बॉडी चलती है, बॉडी बोले तो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ चलते हैं, तो उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। यही डिफरेंस रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में किसी सर्कुलर पाथ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है, और पूरी बॉडी जब घूमती है तो देखो ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, भाई देखिए अगर ये वाला पार्टिकल यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है तो हमेशा 10 ही तो रहेगा ना, ये तो ये वाला पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पार्टिकल यहां से 20 सेंटीमीटर दूर है तो हमेशा 20 सेंटीमीटर दूर रहेगा, ये वाला 30 है हमेशा 30 रहेगा, तो इसका हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन जब पूरे पार्टिकल को कंबाइंड आप एक बॉडी बना देंगे तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है,
अच्छा आपने पीछे वाले चैप्टर में सब सर्कुलर मोशन पढ़ाया गया था, वहां पर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया गया था, याद है एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई गई थी, था कि नहीं था? यस सर। तो यहाँ दोबारा मिक्स किया गया, इसमें आया है, अब लिखिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी, जरा समझने की कोशिश करिए। ये एक बॉडी है और ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के चारों ओर इस प्रकार से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। इस बॉडी का एक पार्ट, एक पार्टिकल है यहां पर जो इससे कुछ डिस्टेंस पर है और ये भी रोटेट कर रहा है, तो ये सिंगल पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, पार्टिकल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ये सब अपने अपने सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे नहीं करेंगे। तो हमने कहा सपोज ये पार्टिकल किसी समय पी पॉइंट पर है और थोड़ी देर बाद एक क्यू पॉइंट पे आ जाता है और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स होता है। डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये एनी पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल लोगे तो ये पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ लोगे तो ऐसे रोटेट करेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा पार्टिकल ले रहे हो, ये पार्टिकल लोगे तो ये इस प्रकार से रोटेट करेगा। डायग्राम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लें कि इन टाइम डेल्टा टी अ पार्टिकल, मतलब बॉडी का एक पार्टिकल, अ पार्टिकल पी मूव्स टू क्यू, मतलब पार्टिकल पी जो है क्यू तक मूव हो जाता है, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन आर, आपने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, तो ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट लिख सकते हैं आगे आप रेडियस, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हमने हेडिंग डलवा दी है एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्ट, तो अब इसकी सब हेडिंग आएगी एंगुलर वेलोसिटी, ये नोट करिए पहले, इसकी सब हेडिंग आएगी एंगुलर वेलोसिटी, बता दीजिएगा। Yes, noted. अच्छा एंगुलर वेलोसिटी डेफिनेशन क्या होती है, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जी 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 अच्छा प्रज्ञा इज देयर, प्रज्ञा इज देयर? यस सर। सेम आवाज इज देयर, दैट्स व्हाई आई थिंक प्रज्ञा इज देयर, ओके। देखिए एंगुलर वेलोसिटी लिख लीजिए फिर बताएं, बता दीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी देखिए जो मेन हेडिंग थी उसकी सब हेडिंग है, एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, जनरली वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, बस डिस्प्लेसमेंट के आगे एंगुलर लगा दीजिएगा, लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर हम मान लें कि लेट इन टाइम डेल्टा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डेल्टा थीटा है, एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है डेल्टा एस। ठीक है, तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो आप लिखेंगे डेल्टा थीटा पॉइंट डेल्टा टी, लेकिन लफड़ा, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए डेल्टा थीटा और डेल्टा टी दोनों को मेजर करना पड़ेगा एक साथ, और आपने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है, किसका था, हाइजेनबर्ग का था। yes, आपने केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि वी कांट मेजर द टाइम एंड डिस्प्लेस टाइम एंड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी साइमल्टेनियसली। कई चीजें हैं, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम एंड मोमेंटम, बहुत चीजें, मतलब दोनों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते भाई। आप सिंपल सी बात है, दो चीजें वैसे भी मेजर एक साथ नहीं कर सकते, तो हम आपको ये नहीं बता सकते कि इस पार्टिकल की इसी समय एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटली, तो हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो यहां पर क्या निकलेगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसको ओमेगा बार लिख देते हैं, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए किसी वक्त वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पीरियड को बहुत 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 स्मॉल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं मान लू कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब जीरो नहीं है लेकिन जीरो के बहुत इक्विवेलेंट है, तब आपको क्या मिलेगा, देन आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, तो यहां लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और इसको जब हम लिखेंगे तो स्मॉल आएगा तो डी थीटा बाय डी टी हो जाएगा। आपको कैलकुलस पढ़ाई गई है, एक दिन हमने बताया भी था आपको, तो यही है डी थीटा अपॉन डी टी। वो मेन हेडिंग की सब हेडिंग चल रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, ये एंगुलर वेलोसिटी आया, और आप चाहे तो मेन हेडिंग को हटा करके अलग अलग हेडिंग्स भी कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं, ये अलग कर सकते हैं। बता दीजिएगा, ये लॉजिक समझ आया, ये दोनों चीजें एक साथ मेजर नहीं कर सकते, इसलिए एक को जीरो मानना पड़ता, एक चेंज ही नहीं हो रहा है, और आज बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है, तो हमने उससे वैल्यू निकाला। Excuse me sir. जी सर, अगर मैंने वैसे जनरल क्वेश्चन आया कि एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी में अंतर क्या होगा, तो उसका आंसर क्या लिखना होगा? नहीं नहीं नहीं, वो बताया जाएगा कौन सी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी कहेंगे तो हम लीनियर मान के चलेंगे। ठीक है, जनरली जो वेलोसिटी पूछेगा उसको डिफाइन करना पड़ेगा विच वेलोसिटी यू आर वांटिंग, लेकिन जनरली हमको वेलोसिटी जो पूछी जाती है तो वो लीनियर मान के हम चलते हैं। ठीक है, अदरवाइज लीनियर और एंगुलर को अलग अलग बाइफरकेट करके ही पूछना पड़ेगा उसको, समझ आ गई बात? Yes, sir. लेकिन जनरली जो वेलोसिटी पूछते हैं वो लीनियर मान के चली जाती है, ये वाली चीज नोट कर लिए ना? Yes, sir. अब इसका रिलेशन बताने जा रहे हैं विद एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर
वेलोसिटी। देखो अब बहुत कुछ काम तो हम वी नो दैट से चला देंगे, वी नो दैट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। जरा ध्यान से समझिए, ये नोट कर लिया? Yes, sir. जब कभी भी आप वी नो दैट लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा वो फार्मूले में जो भी इंडिकेशंस यूज किए गए हैं उनको डिफाइन करना पड़ता है कि डेल्टा थीटा क्या है और डेल्टा एस क्या है। तो ये लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी, ये हम लिख नहीं रहे हैं। अब आपको चूंकि वेलोसिटी चाहिए तो आप दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई डेल्टा टी वी गेट, तो आएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर, अलग कर दो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। हम पहले से मान लेते हैं कि डेल्टा टी बहुत स्मॉल है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो हम पहले से मान लेते हैं कि इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहां क्या लिख देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन आर, अलग कर दो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या लिखा है, हम चाहे तो थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं, इसको डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन आर, इसको डी वी बाय डी एस बाय डी टी लिख सकते हैं। इसको पहचानते हैं आप डी थीटा बाय डी एस डी टी को, सर एंगुलर वेलोसिटी, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी, ये हो गया ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन आर इंटू वी, यानी वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप लिख देंगे यहां v क्या है, केवल लीनियर नहीं लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि आपने टाइम को बहुत स्मॉल माना है। तो यहां पर v है वेयर, यहां पर वेयर v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा है आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। डायग्राम बना लिया है ना, साउंड में भी आ गया होगा डायग्राम, रख कर दे डायग्राम को। Yes, sir. अब यहां एक नोट देखिए, नोट नंबर वन, इस नोट को लिखने के लिए डायग्राम पहले समझिएगा। डायग्राम में मैंने इस पार्टिकल को घुमाया था आर रेडियस के उसमें, और ये लीनियर वेलोसिटी थी वी, और ये जो इसके चारों ओर एक्सिस के चारों ओर वेलोसिटी वो ओमेगा थी, है ना। अगर आर जीरो हो जाए, आर जीरो का मतलब पार्टिकल कहाँ पे आ गया, पार्टिकल सेंटर पे आ गया, है ना, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो सेंटर पे अगर पार्टिकल होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि पार्टिकल के पास केवल एंगुलर वेलोसिटी होती है, लीनियर नहीं, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, देखो ध्यान समझिएगा, ये बॉडी को मैं घुमा रहा था और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके उनके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, उनके पास केवल एंगुलर वेलोसिटी होगी, उनके पास लीनियर वेलोसिटी नहीं होगी। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो एक नोट करके लिख लीजिएगा, इट मींस ऑल द पार्टिकल्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन has no linear motion and they are fixed. वो अपनी जगह पे fixed है. Has no linear motion and they are fixed. और दूसरी बात, अगर practically बात समझ में आई ना,
कि अगर मैं कहूँ ये पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे, जो मैं घूमेगा बॉडी तो यहीं पर बना रहेगा, ये फिक्स नजर आएगा, लेकिन इसके पास लीनियर वेलोसिटी जीरो है, एंगुलर रही होगी। दूसरी बात, इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, ये होगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r लिखा जाता है, ध्यान रखिए ये वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, ओमेगा क्रॉस r इज इक्वल टू v। ठीक है, ये शायद पीछे पढ़ चुके हैं आप, लेकिन इस पर चूंकि इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसको फिर डिफाइन किया गया है। यदि समझ में आ रही है सबको, आ ही रही होगी, वो हम वैसे ही पूछ रहे हैं, मतलब yes, भी जरूरी है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट आना एक अलग बात होती है और थोड़ा सा सब्जेक्ट में मजा आना वो अलग बात होती है। मजा का मतलब कोई अब इसमें हमेशा तो मजा नहीं आ सकती, हमेशा हम जोकड़े करना शुरू कर दें, हमेशा कहानियां सुनाते रहे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा ना। अब आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। सर मैं एक चीज पूछनी थी सर, सर वो रॉकेट मास प्रोपल्शन मतलब क्या है, नहीं क्या सिलेबस में नहीं होता? नहीं, बहुत पहले से हट गया है। ओके सर, सर वो मैंने देखा था, बड़ा डरावना सा फॉर्मूला था उसका। हाँ, नहीं, बहुत डरावना था, डरावना नहीं था, वो डरावना इसलिए था कि हम लोग पढ़ाया नहीं था, इसे डरावना था, डरावना क्या होता है। ठीक है, रॉकेट मास प्रोपल्शन यही समझे जैसे बैलून को फुलाइए और छोड़ दीजिए तो पीछे से हवा निकलेगी वो आगे भागता है, यही कॉन्सेप्ट था उसमें। यस सर, उसमें सर लॉगरिथम लगा हुआ था। नहीं, बहुत सालों से हटा दिया गया है इसलिए वो नहीं होता, तो हम पढ़ा देते ना ऐसा। देखो, कोई चीज ऐसी नहीं छूटेगी जो सिलेबस में हो या वो चीज ना बताई जाए और आपको लपेट दिया जाए, ठीक है, ये संभव नहीं है। जो भी चीज हमारी तरफ से होगी या सर की तरफ से होगी सब ऑनेस्टली होगी, आप चिंता मत करिए उसकी, ठीक है। थैंक यू सर। अब लिखिए एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर, डेफिनेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दीजिएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम मान लें लेट इन टाइम डेल्टा टी द चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा ओमेगा। अगर मैं मान लू कि इन टाइम डेल्टा टी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज डेल्टा ओमेगा, तो अब फिर एक दिक्कत हुई, डेल्टा टी टाइम चेंज हुआ, डेल्टा ओमेगा वेलोसिटी चेंज हुई, दोनों को आपको एक साथ मेजर करना है, नहीं मेजर कर सकते, तो आप यहां क्या निकालेंगे? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब आपको चूंकि इंस्टेंटेनियस निकालना है तो इंस्टेंटेनियस के लिए टाइम चेंज को बहुत स्मॉल मानना पड़ता है, क्यों? उससे फायदा ये हो जाता है कि आपको टाइम मेजर नहीं करना पड़ता, क्योंकि टाइम ऑलरेडी जीरो के बराबर आप ले लेते हैं, बहुत स्मॉल। तो आप लिखेंगे इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देन ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा लिखेंगे, बार बढ़ा देंगे, ये आएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स जीरो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, इसको शॉर्ट में हम डी ओमेगा बाय डी टी करते हैं, कैलकुलस की भाषा आप जानते हैं। हरे राम।
चैप्टर बढ़िया है, इस क्लास को मिस मत करिएगा कोई भी, समझ लीजिएगा, क्योंकि टफ नहीं है लेकिन इंटर रिलेटेड है, मतलब जो फार्मूला आज बताया जाएगा उसका इस्तेमाल भी बीच किया जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी अगर आपने मिस कर दिया क्लास। जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि तुम्हें तबीयत नहीं ठीक थी, तो तबीयत नहीं ठीक तो कहो तुमको 10 कदम दूर जाना है, अपना सब सिस्टम ऑन कर लीजिए और लेटे रहिए और सुनते रहिए, कहानी सुनते रहिए, क्या दिक्कत है उसमें, कौन हम तुम्हारे कान खींचे ले रहे। समझ में आ गया? यस सर। अच्छा यस सर। अब बात करने जा रहे हैं, अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, आप एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और हम सेंटर पे बैठे हुए हैं, सर्कुलर पाथ पे आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और सेंटर में हम आपको ऐसे देख रहे हैं, तो आप पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और आप उसके सर्कमफ्रेंस पे चल रहे हैं तो आप पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है, तो जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है, चाहे पार्टिकल हो चाहे बॉडी हो, तो उसमें लीनियर भी सब कुछ होता है, एंगुलर भी होता है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो लीनियर एक्सेलरेशन भी होगा, तो इनमें रिलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि पार्टिकल देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। देखो अब हम वी नो कुछ नहीं करेंगे, बस वी नो दैट वी अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, मैं डायरेक्ट डी लिख रहा हूं। अच्छा, ओमेगा का वी से एक रिलेशन होता है, ये यहां से शुरू करिए, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, जो ओमेगा हटाना पड़ेगा, ये जानते हैं ना? Yes. अच्छा, एज वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अब आप कहीं साहब ये बताइए आपने अल्फा लिखा था क्यों काट दिया, अगर मैं अल्फा लिखूंगा यहाँ ओमेगा लिखूंगा यहाँ ओमेगा क्यों निकाल लूंगा, बात वही है, तो वी को आर ओमेगा लिखेंगे, सो ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ आर ओमेगा, आपको याद है डिफरेंशिएशन उसका होता है जो चीज चेंज हो रही हो, किसी भी पार्टिकल के लिए आर चेंज नहीं होता, पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ, बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई बॉडी किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर रही है तो ये वाला पार्टिकल अगर इससे 2 सेंटीमीटर दूर है, ये पूरा सर्कुलर पाथ करेगा लेकिन 2 सेंटीमीटर ही दूर रहेगा, अनिवार्य बनी आ रही, यदि आर इज फिक्स तो आर बाहर हो गया, ये हो गया डी ओमेगा बाय डी टी, इसको पढ़ें अभी आप, अल्फा ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म होगा ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, रेटिंग तो आज बढ़िया लिख रहे हैं लगता है ना? Yes. वाह, I am very proud of me. नहीं गंदा भी है, कभी कभी बढ़िया हो जाता है, मेरी रेटिंग अच्छी है नहीं। अब लिखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क,
ये नोट कर लीजिए, पहले रब करें फिर बात करें। बता दीजिए, इधर नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम फिजिक्स की भाषा में, वैसे हमने कहा था डेफिनेशन दो प्रकार की होती है, एक फिजिकल डेफिनेशन कि फिजिक्स में उसका मतलब क्या होता है, एक मैथमेटिकल डेफिनेशन वो कैसे निकाला जाता है। टॉर्क का मतलब क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, क्या है लफड़ा, मतलब फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स दोनों में अंतर क्या है, टॉर्क क्या होता है, मतलब फिजिक्स की बात पूछ रहा हूँ, मैथमेटिकली फार्मूला क्या होता है वो तो बात की बात है। किसी को मालूम नहीं है, कोई बोलना नहीं चाहता है, हम काहे बोले हम काहे बोले, इसको बोलना हो बोले, कोई बोलेगा प्रज्ञा जी आंसर देंगे। कैन यू रिपीट सर क्वेश्चन, हमने कहा मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब क्या होता है, ये हम छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, टॉर्क हमको छोटे क्लास में पढ़ाया गया है, इसका मतलब क्या होता है सर, मतलब जब एक व्हील घूमता है तो फिर वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है पहिए के घूमने में सर, कुछ सर पहुंच तो गए वहां तक लेकिन एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाए। सुनिए ध्यान से, अगर किसी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट को के ऊपर मतलब ऐसा फोर्स जो उसके उसे अपनी एक्सिस पे रोटेट करने पे मजबूर कर दे। जी वेरी गुड, यही होता। देखिए अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया ठीक है, और बॉडी को स्ट्रेट आपने आगे धक्का मार के आगे कर दिया तो आपने फोर्स लगाया, वो जो अप्लाइड आपने किया है उसका नाम है फोर्स। अगर आपने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी को रोटेट कर दिया, हमारे आपको नल खोलना है तो नल पे फोर्स लगा के आपने नल को रोटेट कर दिया तो वो भी फोर्स है, तो उसी फोर्स को हम फिजिक्स की भाषा में टॉर्क कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर किसी फोर्स में टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो जाए, एक ऐसा फोर्स जो बॉडी में बॉडी को किसी एक्सिस के चारों ओर रोटेट कर दे, उसी को टॉर्क कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी को आपने कहा कि मारेंगे खसीट के तो मुंह तुम्हारा घूम जाएगा, तो अब इसको फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे, आई विल अप्लाई द टॉर्क ऑन योर फेस, अंडरस्टैंड, डरेगा नहीं, वो अलग की बात है, वो डरेगा नहीं क्योंकि ये फिजिक्स की भाषा में नहीं डरेगा, जब आप मारेंगे खसीट कंटा मारेंगे मुंह ऐसा रोटेट तो डरेगा, तो जो मुंह को घुमा दे वो टॉर्क हुआ और जो सीधे धक्का मार दीजिए ऐसे गिर जाए वो फोर्स हुआ। तो दोनों में डेफिनेशन में क्लियरिटी हुई कि मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है। भाई किसी को माने कोई स्टूडेंट छोटे क्लास का है, उसने कहा भैया दीदी वो टॉर्क क्या होता है, भैया दीदी हो तो अलग लोगों का, ये नहीं समझना किसी को भैया कहेगा उसे दीदी कहेगा, तो आप कहेंगे अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स लगा दें और बॉडी रोटेट हो जाए ऐसे घूम जाए उस फोर्स के द्वारा तो उसी को हम कहेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। तो पहले डेफिनेशन लिखिएगा, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, the turning effect of a force about the axis of rotation, about the axis of rotation is called moment of force, the turning effect of a force ya force about the axis of rotation is called moment of force or torque और टॉर्क। तो ये तो हो गई फिजिक्स की भाषा में इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज करके इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of force
द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई फिजिक्स की भाषा में भी और मैथमेटिकल। देखो ध्यान से, ये एक बॉडी है और ये इस एक्सिस के चारों ओर ऐसे रोटेट हो रही है। आपने देखा हो हैंड फैन, देखा है कभी आपने? अभी तो कम लोग देखते हैं, पहले लोग देखते थे क्योंकि इसे यूज होता था। अब तो सबके घर में इन्वर्टर लग गया तो यूज नहीं होता है। आपने हैंड फैन देखा है ना, हाथ वाला टों 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 टों, देखा है? सर हैंड फैन जैसे पानी निकालते हैं? अरे हैंड पंप नहीं भैया, हैंड फैन। हाथ वाला हैंड तो हैंड पंप होता है। तो आपने देखा होगा वो एक रॉड होती है, उसके चारों ओर घूमता है, तो जिस रॉड के चारों ओर घूमता है उसी को कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमने इस बॉडी पे फोर्स लगाया, फोर्स हमने यहां पर लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो इसके किसी पॉइंट से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है, इसमें ऐसे छेद किया होगा ना, इसमें ऐसे, ये इसकी एक्सिस है। मतलब ये कैसे हम बताएंगे, जैसे ये बॉडी है ऐसे आपने छेद करके यहां पर फिक्स कर दिया, ये बॉडी इसके चारों ओर से रोटेट कर सकती है। ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस है आर, फोर्स की। ध्यान से समझिएगा डेफिनेशन क्या करिए, डिस्टेंस द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स, फोर्स एंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ फोर्स। जरा बताइए क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से है? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, समझारी बात नहीं आ रही? ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे आपने कोई बॉडी ऐसे खींचनी है और उस बॉडी के पीछे दूसरी बॉडी, दूसरे के पीछे तीसरी बॉडी जोड़ दीजिए, तो आप तीनों को खींच लेंगे उसी लाइन में। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, समझ गई बात? तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ आर साइन थीटा, अगर ये थीटा मान लें, ठीक है। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसको आप वेक्टर फॉर्म लिख दो, आर क्रॉस एफ, ये होगा एफ आर साइन थीटा। तो थीटा ये होता है आर और एफ के बीच का कोण, ये एंगल होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा। देखिए वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ, ये एफ आर साइन थीटा। आपको क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालनी बताई गई थी, यस सर। क्या बताया था हमने? हमने कहा था अगर आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन क्या होती है, ए क्रॉस बी, क्या बताया था, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, याद आया? यस सर। एन कैप क्या था, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एन बी बोथ। तो हमने कहा था ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है ए क्रॉस बी की, यानी कि टाउ की डायरेक्शन किधर होगी, आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगी। कैसे निकालते थे क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन, हमने कहा था ए ए, अगर ए क्रॉस बी निकालना होता था तो याद हो हमने कहा था ए की डायरेक्शन में अपनी हथेली को करिए, बी की डायरेक्शन में उंगली को मोड़िए, तो जिधर अंगूठा होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन थी, यही है ना। तो अब हम दिखाने जा रहे हैं कि एक्चुअली में आर क्रॉस एफ जो टाउ की डायरेक्शन है वो आर और एफ के परपेंडिकुलर। इसके लिए हमने शायद एक बोतल लेके एक्सपेरिमेंट दिखाया था, याद है? नहीं, अगर ना याद हो तो दिखा देंगे। सर याद नहीं आ रहा, एक सेकेंड में दिखा रहा हूं। देखिए
इस बोतल के ढक्कन पे हमने फोर्स लगाया है और ये जो फोर्स है ये बोतल के ढक्कन को घुमा रहा है, इसी फोर्स को टॉर्क कहते हैं। अब देखिए ये बोतल का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और आपने फोर्स ऐसे लगाया है, हमको आर क्रॉस एफ दिखाना है। हमने क्या कहा है कि आर की डायरेक्शन में आप अपनी हथेली को करिए, ये आर है, अगर ध्यान से देखें तो ये आर है, ये एक्सिस है, तो हमने आर की डायरेक्शन में अपनी हथेली को कर दिया। फोर्स ऐसे लगाया है तो फोर्स की डायरेक्शन में हमने अपनी उंगली मोड़ दी। अंगूठा मेरा किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है। अगर इस बोतल को आप खोलिए तो आपका बोतल का ढक्कन किधर जा रहा है, ऊपर तरफ गया कि नहीं गया। अच्छा अगर मैं इसको बंद करता ऐसे फोर्स लगा करके, तो देखिए आर इधर है, आर की डायरेक्शन में हमने अपनी हथेली की, फोर्स इधर लगा रहे थे तो उंगली मोड़ी हमने फोर्स की तरफ, हमारा अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ। अगर इसको हम बंद करेंगे तो ढक्कन किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ या एफ इनटू आर साइन थीटा, ये नोट करिए। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर और पाउंड फीट। न्यूटन मीटर, जरा इसका डायमेंशन निकाल दो, अब आया है डायमेंशन निकलवा ही लेते हैं। इसका डायमेंशन निकालिए सर, ML 2T, सर ML square T inverse square। आ डायमेंशन ML square T inverse 2, ये किसी और की डायमेंशन होती है, वर्क और एनर्जी। एक्चुअली F into R भी तो वर्क ही होता है, F into R वर्क ही होता है, ये अलग है, वो अलग केस है, ठीक है। हमने आपको बताया भी था कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो किस कंडीशन में दोनों स्केलर क्वांटिटी देती हैं, किस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्वांटिटी देती है, अगर याद हो तो। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूं, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में इनर्शिया पढ़ के बैठिएगा, बहुत टेक्निकल चीजें प्रूफ कराई जाएंगी, वो बड़े ही प्यार से प्रूफ कराई जाएंगी, वो प्रूफ आपको याद भी हो जाएगा, मतलब प्रूफ ऐसे होंगे वो आप याद भी कर लेंगे, हाँ ऐसे ही प्रूफ होंगे। केवल थोड़े से कॉन्सेप्ट पहले के पढ़ के बैठिएगा, इनर्शिया वगैरह के कॉन्सेप्ट, इनर्शिया पढ़ाई गई है ना। यस सर, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। नोट कर लिया? यस। थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, टेक।